हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल परिया। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन। होपली यू विल एंजॉय, सो लेट्स बिगिन। आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको 2 से 3 times रीड करना होता है। जब तक आप प्रॉब्लम्स को 2 से 3 times रीड नहीं करेंगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स में एडिशन करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सो क्वेश्चन को आपको 2 से 3 times रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है कि जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन है क्वेश्चन में या फिर एडिशन है। सो यदि क्वेश्चन में आपको लेफ्ट लिखा आता है, मीन्स आपको क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करना है, मीन्स प्रॉब्लम्स में सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर आपको टाउन की पॉपुलेशन दी जाती है और उसमें बोला जाता है कि इतने मेंस हैं, इतने वुमेंस हैं, और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जब भी लिखा आता है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको वुमेंस मेंस दिए जाते हैं और आपसे क्या पूछा जाता है कि चिल्ड्रन बताइए, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन टाउन, बताइए कि टाउन में कितने चिल्ड्रन है, मीन्स गांव में कितने चिल्ड्रन हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको एक वर्ड और है, फाइंड। फाइंड यदि फाइंड लिखा आता है तब भी आपको क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये वर्ड ही आया और आप कहो कि नहीं सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक। इसके अलावा ये तो हैं, जो हैं वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको वर्ड प्रॉब्लम को समथिंग 2 से 3 times लर्न करना ही होगा, मीन्स पढ़ना होगा, सॉरी रीड करना होगा, तभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपका डाउट क्लियर होगा कि उस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एडिशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया था। टुडे वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन। आज हम बच्चों मल्टीप्लिकेशन मीन्स इनटू करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जैसे सिंबल ऑफ एडिशन होता है, सिंबल ऑफ एडिशन क्या होता है बच्चों, प्लस, ठीक है। सिंबल ऑफ एडिशन, एडिशन का सिंबल क्या होता है बच्चों, प्लस। ओके, ऐसे ही क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या है बच्चों, माइनस। सेम एज मल्टीप्लिकेशन का भी बच्चों साइन होता है, ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसे बोलते हैं बच्चों इनटू। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, इनटू, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, इनटू। ओके, सो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों, इनटू। ये क्या है आपका, इनटू, ये सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसे लर्न कर लेना बच्चों। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस मैं एक क्वेश्चन फाइंड कर रही हूँ जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई by 18। बच्चों वी हैव ऑलरेडी लर्न मल्टीप्लाई 1 digit number, 2 digit number इन प्रीवियस क्लासेस।
बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन कितने डिजिट का बच्चों 2 डिजिट का 3 डिजिट का सीखा होगा ओके बट मैं आपको यहाँ से 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से बता रही हूँ ओके स्टूडेंट सो लेट्स स्टार्ट। कैसे बच्चों से हम एडिशन स्टार्ट करते हैं हमने क्या करते हैं बच्चों नंबर्स को अरेंज करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में हम जब मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं नंबर्स को वैसे ही अरेंज करते हैं पहले हम क्या करते हैं वंस को राइट करते हैं आफ्टर दिस टेंस को ठीक है फिर इसके नीचे फिर डिजिट फाइंड करते हैं नेक्स्ट डिजिट इसको भी कैसे फाइंड करते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट एंड सिम्बॉल ऑफ सब्ट्रैक्शन ओके स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं इनको जैसे हम एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या काउंटिंग की जरूरत होती है ओके स्टूडेंट ऐसे ही हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें टेबल की जरूरत होती है जैसे आपको लिखा है 8 तो आपको 8 का टेबल आना चाहिए तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकोगे ओके स्टूडेंट सो मैं यहाँ पर 8 का टेबल राइट कर रही हूँ 8 बन जाए 8 8 टू जा 16 8 थ्री जा 24 ओके स्टूडेंट जी मैंने 8 का टेबल राइट कर दिया है अब आपको 8 का टेबल कितने टाइम पर रीड करना है बच्चों 6 टाइम 8 बन जा 8 ये वन टाइम हुआ 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40, 8 सिक्स जा 48। हमने 8 को 6 टाइम मतलब 8 का टेबल हमने 6 टाइम रीड किया तो कितना आया बच्चों 48। ओके स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको हमने 8 का टेबल 6 टाइम रीड किया तो कितना आया 48। ठीक है अब जैसा हम एडिशन करते थे है ना एडिशन करते थे क्या जब भी हमारे पास 48 में कितने डिजिट है बच्चों 2 डिजिट है कितने डिजिट 1 1 2 कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट है तो हम दोनों ही डिजिट को बॉक्स में फाइंड नहीं कर सकते ओके स्टूडेंट सो जो राइट नंबर पे है उसे हम कहाँ राइट करेंगे बॉक्स में एंड जो लेफ्ट में है ये राइट नंबर राइट में है इसलिए हमने इसको बॉक्स में लिखा और जो लेफ्ट में है वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों कैरी क्या हो जाएगी कैरी आफ्टर दिस हम 8 का टेबल फिर पढ़ेंगे मींस फिर हम 8 का टेबल देखेंगे कितने टाइम पर करना है हमको रीड 2 टाइम कितने टाइम 2 टाइम तो 8 बन जा 8 8 टू जा 16 8 टू जा 16 16 आया ठीक है अब 8 टू जा 16 आया और आपकी कैरी कितनी है बच्चों 4 तो 16 में हम कितना प्लस कर देंगे 4 तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 20 कितना हो जाएगा 20 ओके स्टूडेंट सो वी विल फाइंड 20 इन दी बॉक्स ओके स्टूडेंट हम 20 को कहां लिखेंगे बॉक्स में अब आफ्टर दिस आफ्टर 2 के बाद कोई नंबर है क्या नहीं इसलिए हमने 20 को 20 फाइंड कर दिया यदि हमारे पास 2 के बाद कोई नंबर होता तो हम यहां पर 0 फाइंड करते एंड 2 क्या हो जाता बच्चों कैरी हो जाता ओके स्टूडेंट्स आफ्टर दिस ये क्या हुआ ये तो 8 नंबर की बात हुई ठीक है अब हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों 1 अब हम 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमने अभी क्या किया था 8 से हम 26 को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा आंसर ये आया अब क्या करना है इसके बाद आपको 8 के नीचे क्या करना है बच्चों 0 राइट करना है ठीक है क्या राइट करोगे आप 0 फिर 1 का टेबल आप पढ़ना है 1 1 जा 1 1 2 जा 2 कितने टाइम पढ़ना है 6 टाइम 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5 1 6 जा 6 ठीक है तो हम अब जो आएगा उसको हम 0 के नीचे फाइंड करेंगे सो दिस इज 6 ठीक एंड फिर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे कितने 1 का टेबल कितने टाइम रीड करेंगे बच्चों 2 टाइम सो 1 1 जा 1 1 2 जा 2 जिसे हम किसके नीचे फाइंड करेंगे 2 के नीचे ठीक है फिर आफ्टर दिस जो भी आपका आएगा आंसर उसे आपको क्या करना है प्लस करना है पहले आपको 8 का मल्टीप्लाई 26 में करना है जो आंसर आएगा फिर हम 0 फाइंड करेंगे 0 के बाद हमको 1 का टेबल कितना 6 टाइम और 2 टाइम मीन्स
वन को हमको 26 में मल्टीप्लाई करना है, सो आपका आंसर ये आया। अब क्या करेंगे हम, जो दोनों आंसर आए हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मीन्स एडिशन कर देंगे उनका, सो हमें आंसर मिल जाएगा। 8 में हम 0 प्लस करेंगे, किसी भी नंबर्स में हम 0 प्लस करते हैं तो वही नंबर्स आता है। ओके स्टूडेंट, सो 8, ठीक है। फिर 0 में 6 प्लस करेंगे तो 6, और 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ आया आपको। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रही हूँ वो होगा बच्चों 3 डिजिट का। कितने डिजिट का बच्चों? 3 डिजिट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी, मल्टीप्लाई 225 by 120। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। ओके स्टूडेंट्स, हम पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे 5, 2, 2। ओके, फिर 0, 2, 1 और सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसके हम इसका क्या करेंगे, हम जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमें नंबर्स को राइट से ही स्टार्ट करना। आप क्या करेंगे, हम 0 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, तो 0 का टेबल हम किसी भी नंबर्स में पढ़ें, ठीक है, वो 0 ही हो जाता है। तो 0 का टेबल 5 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0। फिर 0 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तो तब भी क्या आएगा, 0। एंड 0 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तब भी क्या आएगा बच्चों, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम है कि हम जब सेकंड डिजिट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या क्या लगाते हैं बच्चों, 0 लगाते हैं। यहाँ देखा होगा आपने, हमने 8 का टेबल पढ़ा था, ठीक है, 26 टाइम किया था हमने इसका इनटू, ये आया था 208। फिर हमने 1 का जब टेबल स्टार्ट किया था तो 8 की से क्या फाइंड किया था बच्चों, 0 फाइंड किया था, ठीक है। ऐसे ही हमने 0 का इसमें इंटू किया, इसमें इसमें इसमें, ठीक है, 3 टाइम इंटू कर दिया। अब हम जब सेकंड डिजिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेकंड डिजिट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के नीचे क्या कर देते हैं बच्चों, 0 फाइंड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि इसका इंटू हो चुका है, 0 का इंटू हमारा हो चुका है, तो हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास कितनी डिजिट बची बच्चों, 1 और 2, कितनी डिजिट बची, 2। और हम किस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सेकंड नंबर की डिजिट का, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, तो इसके प्लेस पर हम क्या कर देते हैं बच्चों, 0 फाइंड कर देते हैं, इसके बाद सेकंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही यदि हम 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो 1 डिजिट मतलब जो लास्ट वाला डिजिट का, तो जो हमारे दोनों डिजिट है ना उनके प्लेस से पहले 0 फाइंड करेंगे, इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे और वो जो नंबर्स आएंगे वो आगे तक आ जाएंगे। समझ आया आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, जैसे हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है 0 का, 0 0 0, ये आपको दिख रहा होगा। जब हम इसके बाद वाली डिजिट, मतलब 0 के बाद वाली डिजिट कौन सी है आपकी, 2, हम 2 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, मीन्स 2 के पहले जो है, सॉरी, बाद में जो 0 है इसका क्या हो चुका है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है ना। तो हमारे पास कितनी डिजिट बची बच्चों, ओनली 2 डिजिट बची, हाँ। सो हम कौन से नंबर की डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड नंबर की डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डिजिट के प्लेस पे पहले क्या लगा देंगे, हम 0 फाइंड कर देंगे, इसके बाद हम सेकंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम 2 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, कितना है बच्चों, 10। 10 में कितनी डिजिट होती है बच्चों, 2 डिजिट, कितनी डिजिट, 2 डिजिट। हम 0 राइट हैंड साइड पे कौन सी डिजिट लिखी हुई है, 0, तो हम 0 को यहाँ फाइंड कर देंगे, और बचा क्या, 1
वन क्या हो जाएगा आपका कैरी। फिर टू का टेबल हमें टू टाइम रीड करना है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर एंड कैरी वन कितना हो जाएगा फाइव। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही टू का टेबल हम टू टाइम पढ़ेंगे, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये फोर और कैरी हमारी फिनिश हो चुकी है। आफ्टर दिस, आफ्टर दिस इसके बाद हम कौन किसका स्टार्ट कर रहे हैं, वन का, वन का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कितनी टू डिजिट क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। तो टू डिजिट के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, पहले जीरो, जीरो के प्लेस पे जीरो और टू के प्लेस पे जीरो। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम वन का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, वन फाइव जा फाइव, वन टू जा टू एंड वन टू जा टू। अब जो आंसर आपका आया मीन्स जीरो का इंटू करने के बाद टू का इंटू करने के बाद और वन का इंटू करने के बाद हम क्या कर देंगे बच्चों, फाइंड कर देंगे, ठीक है, मैं प्लस कर देंगे उनका, एडिशन कर देंगे। जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो प्लस करेंगे जीरो, जीरो में जीरो प्लस करेंगे जीरो, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी जीरो, ये हो जाएगा फाइव फाइव टेन, टेन का जीरो कैरी वन, फोर टू सिक्स और वन एट और ये हो जाएगा टू, मीन्स 28,000, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बच्चों जितनी डिजिट दी जाती है मीन्स इसमें कितनी डिजिट दी गई थी आपको, टू डिजिट दी गई थी, हाँ, जिसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उसके प्लेस पर क्या हो जाता है, जीरो जीरो पुट कर देते हैं हम और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। समझ आया आपको, समझ आया? यहां देखो आपके पास कितनी डिजिट थी, टू डिजिट, आपने एट का टेबल किया, ठीक है, ये उसका आंसर आया। अब एट का टेबल हो चुका है, इसे हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है, एट का टेबल हो चुका है। अब हमारे पास कितना क्या बचा, वन बचा। अब हम बल्ड का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमारे पास डिजिट क्या थी, एट भी थी, तो इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर एट वन का हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी नंबर्स हैं। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी टू डिजिट होगी तो उसमें वन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो आंसर आया, और सेकेंड डिजिट स्टार्ट करने से पहले हम वंस के प्लेस में क्या लगा देंगे बच्चों, जीरो लगा देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, और जब भी आपको थ्री डिजिट दी जाएंगी तो आपने फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड सेकेंड डिजिट को स्टार्ट करने से पहले आप वंस के प्लेस में जीरो फाइंड कर देंगे, और आफ्टर दिस आप थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो वंस के प्लेस में एंड टेंस के प्लेस में जीरो फाइंड कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना लर्न रखना, ठीक है, इतना आपको याद रहा तो आपका मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग नहीं होगा, और इसके साथ साथ आपकी कैरी, आपको कैरी को ध्यान से फाइंड करना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, कैरी को भूल जाते हैं और आपको कैरी को नहीं भूलना है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ, बच्चों मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए। यदि आपको टेबल लर्न है तो आप मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको थ्री डिजिट के मल्टीप्लिकेशन, टू डिजिट के मल्टीप्लिकेशन बताए, इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें फोर डिजिट के मल्टीप्लिकेशन है वो बताने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, सो लिसन केयरफुली, टू क्वेश्चन है आपका थर्ड, मल्टीप्लाई 2432 by 125। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर्स को पहले अरेंज करेंगे, टू थ्री फोर टू, फिर फाइव
टू वन एंड सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. आपको फाइव का टेबल रीड करना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, फाइव का टेबल आपको रीड करना है कितने टाइम? टू टाइम. जो ऊपर दिए होते हैं उन नंबर से मतलब वो टाइम्स रहते हैं आपको, ठीक है? साहब फाइव का टेबल है, फाइव का टेबल आप लर्न करेंगे टू टाइम, सॉरी रीड करेंगे तो फाइव बन जाए फाइव, फाइव टू जा टेन, कितना होगा टेन. अब टेन में कितनी डिजिट है बच्चों? टू डिजिट. कितनी डिजिट है? टू डिजिट. तो हम क्या करेंगे बच्चों, जीरो कहाँ फाइंड करेंगे? बॉक्स में एंड वन कैरी. फिर हमें फाइव का टेबल कितने टाइम रीड करना है? अब थ्री टाइम. फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन और कैरी वन कितना होगा बच्चों? सिक्सटीन. कितना होगा? सिक्सटीन. हाउ मैनी डिजिट इन देयर? टू डिजिट. तो हम सिक्स कहाँ लिखेंगे बच्चों? बॉक्स में. एंड वन, वन कहाँ लिखेंगे बच्चों? कैरी में. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस फाइव का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे अब हम? फोर टाइम. फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फोर जा ट्वेंटी एंड कैरी वन ट्वेंटी वन. हाउ मैनी डिजिट इन देयर? वन डिजिट, सॉरी टू डिजिट. सो वन इन द बॉक्स एंड टू कैरी, ठीक है? आफ्टर दिस फाइव का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे बच्चों? टू टाइम. फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, कितना आया बच्चों? टेन. और टेन प्लस टू कैरी क्या हुई? टू. तो टेन प्लस टू कितना हो गया बच्चों? ट्वेल्व. हाउ मनी डिजिट इन देयर? टू डिजिट. कितने डिजिट है बच्चों ट्वेल्व में? टू डिजिट. सो टू, टू हम कहाँ राइट करेंगे बच्चों? बॉक्स में. अब क्या टू के बाद कुछ नंबर है यहाँ पर ऊपर? नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? ट्वेल्व ही राइट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हमारा फाइव का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है तो हम इस डिजिट के प्लेस पे क्या कर देंगे? जीरो फाइंड कर देंगे. अब टू का टेबल हम टू टाइम पढ़ेंगे. टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट और टू टू जा फोर. ऐसे ही अब टू और फाइव का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, इन दोनों के प्लेस पे क्या कर देंगे हम? जीरो फाइंड कर देंगे एंड वन का टेबल स्टार्ट करेंगे. वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर एंड टू वन, वन टू जा टू. अब जो आंसर आए हैं हम फाइव का इंटू करने पर, टू का इंटू करने पर, वन का, हम उनको प्लस कर देंगे. जीरो में जीरो और जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो जीरो आएगा. सिक्स में फोर प्लस करेंगे तो टेन आएगा. टेन का जीरो कैरी वन. सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस वन नाइन और ये वन टेन. टेन का जीरो कैरी वन. एट प्लस टू टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन और ये फोर्टीन का फोर कैरी वन. फिर फोर प्लस फोर एट, एट प्लस वन नाइन और ये टेन. टेन का जीरो कैरी वन एंड टू प्लस वन थ्री. मीन्स 30,400, दिस इज योर आंसर. एक मिनट बच्चों, 17. सो बच्चों 3,04,000. ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, 3,04,000. सो दिस इज योर आंसर. ऐसे ही आपको फाइव डिजिट के, सिक्स डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके स्टूडेंट, सो इस वीडियो के माध्यम से आप, आपका जितने भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है बच्चों, उनको सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आपके जो भी डाउट हैं, आपके जो भी डाउट हो उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स पर टाइप करें, हम आपके के डाउट को क्लियर करेंगे. सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय स्टूडेंट्स.